छोटी छोटी अखियों में सपने हजारों हैं, होंगे महान ये दिल की आशा है। छोटी छोटी अखियों में सपने हजारों हैं, होंगे महान ये दिल की आशा है। पर कहां जाए राह कौन दिखाए, हम दिखाएंगे। छोटी छोटी वार्ता लेके दादाजी आ गए, सद्गुणों का जादू लेके दादाजी आ गए। महानता की सीढ़ियां दादाजी की कहानियां, महानता की सीढ़ियां दादाजी की कहानियां। कहानियां दादाजी की BAPS स्वामी नारायण बाल मंडल की संस्कार प्रेरक वीडियो सीरीज। बात है दिमंत, अरे जीन्स देख, जीन्स डेनिम का है, 1400 रुपए का है। ओए टी शर्ट देख, टी शर्ट ड्यूक का है, 1000 रुपए का है। नो देसी क्लोथ, समझा। लेकिन दिमंत मैं तुझसे मिलने आया हूँ, ये तेरी जीन्स और ये तेरी टी शर्ट से नहीं। जलता है ना तू, हाँ जलता है ना तू मुझसे, तेरे पास नहीं है इसलिए ना। अरे मेरी तरह जीना सीख कंजूस, लिव लाइफ हीरो स्टाइल। पापा मुझे नई घड़ी ला दो, तो ही मैं कल एग्जाम देने जाऊंगा। अरे अभी तो नई घड़ी ला के दी थी, वो कहाँ गई? उसको तो 6 महीने हो गए, 1 महीने में तो स्टाइल चेंज हो जाती है पापा। दिमन तू स्टाइल करने स्कूल में जाता है या पढ़ने? स्टाइल से पढ़ने जाता हूँ पापा, दो काम एक साथ। ठीक है तुझे घड़ी तो नहीं ला देता हूँ, पर हाँ अच्छा रिजल्ट नहीं आया ना तो तेरी खैर नहीं। पापा आपका हीरो कभी फेल हुआ है क्या? हाँ हाँ बहुत हो गई तेरी होशियारी, चल अब पढ़ने बैठ। शूज
रीबॉक पूरे 2000 रुपए। इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड। नाइस वॉच यार। घड़ी देख, फास्ट ट्रैक पूरे 2500 रुपए। लिव लाइफ हीरो स्टाइल। वाओ, ये धीमन पेन दिखा दो। चल हट। ये पेन पार्कर पूरे 500 रुपए। और ये चश्मा रेबन 3000 रुपए। ब्रांडेड है ब्रांडेड। लिव लाइफ हीरो स्टाइल। ये हुई ना बात। बड़े हीरोगिरी कर रहा है ना, एक दिन पछताएगा, समझा। ए चले छचुंदर, मैंने तुझसे राय मांगी क्या? 21st century है ये। लिव लाइफ हीरो स्टाइल। याहू, लिव लाइफ हीरो स्टाइल। याहू, यस, लिव लाइफ हीरो स्टाइल। हीरो। ए चल चल ए मिलन, चल मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। और बॉल बरोबर पकड़ना, गए टाइम के रिजर्व मत करना। हाँ अभी, हाँ उधर जो थोड़ा पीछे, बस बस मदद ना करो वो तो ठीक है, बेचारे को और दुखी करते हो। लिव लाइफ हीरो स्टाइल। हिमंत, तुझे याद है ना, कल हमारा रिजल्ट है, साथ जाएंगे। ओके ठीक है योगी, ठीक है। हीरो हो गए ना जीरो। स्टाइल से ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देता ना तो ये हाल ना होता। अब बचता है क्या होवत है, जब चिड़ियन चुग गई खेत। नाउ गेम इज ओवर। अरे बस करो, अभी बेचारे को साथ होना चाहिए। और तुम हो कि? चलो जाओ सब। जीमंत, अगली बार पढ़ाई में ध्यान देना, उससे ही तू सच्चा हीरा बन पाएगा। आ गए जनाब, अरे दिखाओ तो जरा रिजल्ट, मैं भी तो देखूं हमारा हीरो क्या लेकर आया है। पापा, एक्चुअली मेरा रिजल्ट। धीमन, ये मैं क्या देख रहा हूँ, फेल। इतना खर्च और रिजल्ट जीरो। सुन धीमन,
आज से सब बंद, नो स्टाइल, नो फैशन और नो हीरोगिरी, बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ये मंजूर ना हो तो वो रहा घर का दरवाजा। दरवाजा, दरवाजा। पापा मेरी बात तो सुनिए। अरे 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 आओ बच्चों, आओ आओ आओ। अरे अरे भाई, अरे आओ आओ आओ। अरे लगता है सबका रिजल्ट अच्छा आया है। ये धीमंत महाशय क्यों रूठे हुए हैं? हैं? एक सब्जेक्ट में फेल, हीरो हो गया जीरो। अरे एक एग्जाम में फेल हुआ है, पूरे जीवन में थोड़ी। Now it's time for दादाजी की कहानियाँ। Yes! Now it's time for दादाजी की कहानियाँ। Yes! अरे अरे बच्चों, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ कहानियाँ सुनेंगे बच्चों। नहीं, आज कोई कहानी वहानी नहीं होगी। क्यों भाई? हाँ क्यों भाई? ए धीमन, तू फेल हुआ इसमें हम क्या करें? हाँ बोल। ए धीमन, तू कौन होता है कहानी रोकने वाला? हाँ बोल, चल चल बोल, बोल ना। ऐसी बात नहीं है दादाजी, आज हमें किसी और की नहीं, आपकी कहानी सुननी है। मेरी कहानी? हाँ, आज मैंने आपकी अलमारी में बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफीज देखे। हाँ दादाजी, पापा कहते थे कि अब पढ़ने में और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में सब में हमेशा अव्वल रहते थे। दादाजी, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? दादाजी, दादाजी। क्या? आपकी सफलता का रहस्य क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादगी भरा जीवन और उच्च विचार। पर दादाजी, ये सूत्र तो हम बहुत सालों से सुनते आए हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, पर जीवन में कैसे उतारा जाए ये कुछ समझ नहीं आता। समझाता हूँ बच्चों, समझाता हूँ। थोड़ी धीरज रखो। सुनो, एक दिन मैंने मेरे पिताजी से अच्छी घड़ी के लिए बहुत जिद की थी। तब मेरे पिताजी मुझे घड़ी की दुकान पर ले गए थे। मुझे याद है वो दिन। अरे सुनो भाई साहब, जरा मुझे सबसे महंगी घड़ी दिखाओ ना। ये लो साहब, ये 300 वाली है, ये 500 वाली और ये 1000 वाली। अच्छा एक काम करो, अब सबसे सस्ती घड़ी दिखाओ। क्या कहा साहब? सबसे सस्ती घड़ी? जाने कहां से चले आते हैं यार। ये 50 वाली, ये 70 वाली है और ये 100 वाली, इससे सस्ती नहीं है साहब। बेटे यहाँ आओ, ये देखो 50 से लेकर 2000 तक की घड़ियां, चुन लो कोई भी। पर हाँ याद रखना, सभी घड़ियां 10 बजे का टाइम ही दिखाती है। ये देखो 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 बेटा, ये देखो ना, और ये भी देखो, देखो ठीक से देखो, देखो देखो। पिताजी मैं समझ गया, घड़ी का उपयोग है समय देखने, कोई भी चल सकती है। ये हुई ना बात है। ये रही वो घड़ी, आज भी सही टाइम बता रही है। उस दिन से मैं सभी वस्तुओं से एक ही सवाल पूछता हूं, ये वस्तु क्यों? Why? Why shoes? Shoes का काम है पैरों की रक्षा, कोई भी चल सकते हैं। Simple living and high thinking. Thank you.
अरे भाई पेन, तेरा काम है लिखना, कोई भी चल सकती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वाह दादाजी, ये वाह तो कमाल का क्वेश्चन है। वाह, हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग समझ गए दादाजी। क्या गप्पे मार रहा है कीर्तन, अब तक तो सिर्फ सिंपल लिविंग ही समझ में आया है, हाई थिंकिंग कहाँ? गुड लॉजिक। तू दादाजी, सिंपल लिविंग का हाई थिंकिंग से क्या लेना देना है? लेना देना है बेटा, लेना देना है। पर ये बात समझने के लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा। बच्चों तुम सब यहाँ पर बैठो, मैं अभी आया, जाना नहीं कहीं। तो ये है तुम सबके लिए गिफ्ट। सस्पेंस है, इन सभी बॉक्सों में तुम सबके लिए कुछ ना कुछ है। तुम सबको इसे एक सप्ताह के लिए संभाल कर रखना होगा। ओके ओके दादाजी। ओके, वाह बच्चों वाह। ठीक है ठीक है, ये लो वंदन, ये तुम्हारा बॉक्स, ये मिलन और योगी का, ये तुम्हारा, और ये लास्ट बॉक्स है धीमंत का। तो चलो 7 दिन के बाद मिलते हैं, तब तक सबको जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। होकर मैं ऐसा ही फोन लूंगा, चाहे डैडी से कितनी भी जिद क्यों ना करनी पड़े। यस, मेरा फोन कहाँ गया?
मेरा फोन कहाँ गया? कौन ले गया? हे भगवान, मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था, ना जाने कौन ले गया होगा। अरे ये रहा फोन। हाश, मिल गया, बच गए। कहाँ रखूँ? कोई ले गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहाँ रखूँ? कचरे जैसा फोन कोई नहीं ले जाएगा तुझे, थर्ड क्लास। जय स्वामीनारायण बच्चों, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण दादाजी, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बैठ जाओ। तो क्या निकला बॉक्स में से? और कैसा रहा प्रयोग? बताओ। इसमें प्रयोग कहाँ है दादाजी? ये तो फोन है, मजा आ गया बस। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जवाब मिल गया। मेरे लिए तो कोई सवाल ही नहीं, मेरा मोबाइल तो कचरा है, थर्ड क्लास है। देखो। अरे नहीं, ये थर्ड क्लास कचरा नहीं है बेटा, ये जवाब है। क्या कहा दादाजी? हाँ सच कहना, जिन जिन के पास महंगे मॉडर्न स्टाइल के फोन थे, वो फोन के अलावा सप्ताह भर कुछ सोच पाए, थिंकिंग भी कर पाए। नहीं दादाजी। परफेक्ट, यही तो आंसर है। वाह दादाजी वाह, क्या प्रयोग है दादाजी। ये महंगी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक चीजें हमें इतना लाचार और मोहित बना देती है कि हाई थिंकिंग तो क्या, थिंकिंग करने का भी वक्त नहीं बचता। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, वैसी चीजें किस काम की जो पाने में बहुत प्रयास करना पड़े और संभालने में हर पल चिंता करनी पड़े, हमारा मन बस उसमें ही रहे और कोई चीज टूट जाए या खो जाए तो दुखी भी होना पड़े। ये देखो, ये है मेरे प्रेरणा स्रोत, ये हैं गांधी जी, मेन ऑफ द मिलेनियम। देखे उनके कपड़े? हाँ? ये स्वामी विवेकानंद,
पूरे विश्व में विख्यात है कोई फैशन? हाँ, ये हैं अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्र प्रमुख अब्राहम लिंकन। कितना सादगी भरा जीवन है। और हाँ बच्चों, फैशन में मोहित लोग बस साधारण जीवन ही जी सकते हैं, कभी महान नहीं बन सकते, कभी नहीं। पर दादाजी, आपको मालूम है ये 21वीं सदी है, सादगी पर लोग हंसते हैं। अरे धीमन, हम सादगी से डरते हैं इसीलिए लोग हंसते हैं। ये देखो देखो, अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ति, बोरन पफेट आज के युग में भी सादगी के आदर्श हैं। खैर जाने दो, चलो एक दूसरा प्रयोग करें। देखो बच्चों, ये हैं दो गुब्बारे। वाओ, गुब्बारे! पहले ये कहो, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये वाला। और हाँ, मुझे भी। हम दोनों की पसंद भी यही है दादाजी। ओके दादाजी। चलो देखते हैं अब क्या होता है। ये क्या दादाजी? मैं भी यही पूछता हूँ। ये गैस वाला गुब्बारा है, इसलिए उड़ाना। परफेक्ट। व्यक्ति में यदि चारित्र है तो वो बाहर से चाहे कैसा भी लगे, कोई उसे पसंद करे या ना करे, वो उड़ता है और अमर भी बन जाता है। लेकिन जो अंदर है बच्चों, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए अंदर से सुंदर बनो, समझे बच्चों? अंदर से। जो अंदर से दुखी होता है, वही बाहर से सुख लेने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकता रहता है। वाह दादाजी वाह, अब हाई थिंकिंग भी समझ में आ गया। दादाजी, अभी आप हमें शॉर्टकट में कह दो, हमें क्या करना चाहिए? हर चीज में सादगी। देखो, हमारे स्वामी बापा और संत, एक ही ड्रेस, एक ही रंग, सिर पर मुंडन, पत्थर में खाना, नो घड़ी, नो मौज शोक, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब से हम सब भी वही करेंगे। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। थैंक यू दादाजी। अरे अरे बच्चों, खुश रहो खुश रहो। अच्छा तो मिलते हैं 20 दिन बाद, मैं गांव जा रहा हूँ ना, बराबर? बराबर। बच्चों देखो, मैं आ गया। अरे 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 दादाजी, ये क्या, ये आपने क्या पहना है? अरे भाई बच्चों देखो, बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं, एकदम वेस्टर्न मॉडर्न। हाय हाय दादाजी, क्या बात है, अब गांव गए थे या शहर? गुड़ी गुड़ी लाल लगाम, माफ करना दादाजी, पर ये सब क्या है? दादाजी ये सब क्या है? पहले ये बताओ कि आप सब उदास क्यों थे? आपके कारण, और क्या? मेरे कारण? हाँ, आप ही ने तो कहा था हर चीज में सादगी, तो हमने ऐसा किया और हमारी हालत बिगड़ गई दादाजी। ये बात है। हाँ दादाजी हाँ, सादगी में सुख नहीं, दुख है दुख। जिसने भी हमारी सादगी देखी, हमें बहुत चिढ़ाया। तो आप सब गलत समझे हो। क्या कहा, गलत? जी हाँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप सब संत जैसे वस्त्र पहनो। पर दादाजी, सादगी तो इसी को कहते हैं ना। देखो मिलन, हमें हमारे आश्रम और कुल की मर्यादा के अनुसार सादगी रखनी है। किसी भी सद्गुण में अतिशयोक्ति नहीं करनी है, और हाँ, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है। तो आपने ये क्या किया है दादाजी? ये सादगी का मेरा अंतिम उपदेश है। वो कैसे? ध्यान से सुनो,
तुम सब भी ऐसे ऐसे फैशनेबल बनकर निकलोगे तो तुमको लोग आंखें फाड़ फाड़ कर तो देखेंगे पर आदर से नहीं देखेंगे। ये देखो, व्यक्ति नंबर 1, 2 और 3, पहले व्यक्ति की ओर हमको आकर्षण तो होगा पर आदर तो तीसरे व्यक्ति पर ही होगा। हाँ, ये देखो, महिला नंबर 1, 2 और 3, हमें हमारी बहनों को भी सिखाना है कि फैशन वालों को लोग देखते जरूर हैं पर सम्मान से नहीं। सादगी पर लोगों को पूज्य भाव होता है, अब समझे? छोड़ दो फैशन, अंदर से सुंदर बनो, अंदर से। अच्छे दिखने का नहीं, अच्छे बनने का प्रयास करो। स्टेटस का मोह छोड़ दो। विदेशी जीवन शैली का अंध अनुकरण बंद करो। इतना टाइट है, कैसे लोग इसे पहनते हैं? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादगी में ही सुख है। तो आओ शुरू करें सादगी का फैशन, सादगी का फैशन, सादगी का फैशन। अरे बच्चों, अरे सारे बच्चे समझ गए, बड़े बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान बच्चे। वाह दादाजी वाह, सादगी के इस उपदेश ने तो हमारी पूरी सोच बदल दी। थैंक यू दादाजी, थैंक यू वेरी मच। सभी बच्चे समझ गए कि सादगी में ही आनंद है। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। सादगी में है सुखी सुख, हो